सभी भाइयों को नमस्कार सबका स्वागत करते हैं जी आपके अपने चैनल साहिल डेयरी फार्म पर दोस्तों वीडियोज के माध्यम से आप लोगों को कहीं ना कहीं से अच्छा से अच्छा मुरा पशुधन दिखाने का प्रयास रहता है और आज उसी प्रयास को बढ़ाते हुए जो आज की जो हमारी कवरेज है जी मैं बताना चाहूँगा अपने डेयरी फार्म से जो कि वीडियो लेके आ रहे हैं जी और उस पशुधन की लेके आ रहे हैं जिसकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है क्योंकि आजकल जो ताज़ा ब्या है वह पशुधन उसके जो रेट काफ़ी हैवी हो चुके हैं जो हमारे पशुपालक भाई हैं बाकड़ी बैंसों को काफ़ी ज़्यादा तलाश रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको अच्छे रेट में देखने को मिलते हैं और जो कि आने वाले टाइम में जो वे काविंग करती है तो उसकी जो कीमत होती है वो डबल हो जाती है जी तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए काफ़ी जो कि अच्छी क्वालिटी की बाकड़ी जोटी फर्स्ट इलेक्ट्रीशियन की जोटी की वीडियो लेके आ रहे हैं जी मैं बताना चाहूँगा जी मूसे चार चारदात जोटी फर्स्ट इलेक्टेशन की पीठ पुठा काफ़ी लाजवाब डिटेल्स आप लोगों को बताना चाहेंगे लेकिन उससे पहले जो भी पशुपालक आपके अपने चैनल पर पहली बार जुड़ा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि इन फ्यूचर हम जो भी नो वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए तो ये देख सकते हैं जी फर्स्ट इलेक्टेशन की जोटी आप लोगों को जो कि दिखा रहे हैं जी अपने डेयरी फार्म से और ये देख सकते हैं जी अगाड़ी के जो थड़ हैं जी और जो फोर ड्राफ्ट यहाँ पे जैसे देख सकते हैं जी काफ़ी कल्ले कल्ले थ हैं इस जोटी के लगे हुए हैं जी और फर्स्ट लैक्टेशन की जोटी लगभग साढ़े तीन से चार महीने की ब्याई हुई है और आज फिलहाल तीन से चार महीने की ब्याई हुई में जो फिलहाल में जो प्रजेंट में जो दूध है जी मैं बताना चाहूँगा नौ से दस किलो दूध जो कि फ़िलहाल मौके पे इसमें तैयार है जी और बात करें ढाई महीने की जो कि ज्ञापिन आज ये जो कि जोटी है वो हो चुकी है जी और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की पीठ पुठा काफ़ी अच्छा जी लंबी टैल की चाल डाल जैसे कि देख सकते हैं जी अर्डर की जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है वो आप यहाँ पे जैसे देख भी पा रहे हैं साथ में सबसे अच्छी बात जी फीमेल काफ़ है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की साथ में फ़ीमेल काफ और बताना चाहूँगा जहाँ से परचेज किए जी जिस किसान के घर से पहली बार जो कि किसान के घर से सेल होकर के हमारे पास आई है जी बिल्कुल छोटे सिंह की मुँह से चार दांत गर्दन की लंबाई काफ़ी अच्छी और चाल डाल है काफ़ी अच्छा यहाँ पे जैसे देख सकते हैं सातवें जो कि फ़ीमेल काफ है और साढ़े तीन चार महीने की जो कि ब्याई हुई मौके पे नौ दस किलो दूध तैयार जहाँ से परचेज की थी वहाँ पे जो कि ग्यारह किलो दूध तैयार था लेकिन हमारे पास आई थोड़ा सा अप डाउन जो कि दूध है वो किया है और दूध निकालने में मैं बताना चाहूँगा जी इतनी ठंडी है जैसे कि आप देख भी सकते हैं बच्चा छोड़ के जो कि दोनों टाइम जो कि दूध है वो देती है जी आराम से और चुवाई की ऐसी है जी मैं बताना चाहूँगा छोटा से छोटा बच्चा भी जो कि इसकी चुवाई वो कर सकता है दारे आप देख सकते हैं अगले खड़ों की जो इसकी चुवाई है जी काफ़ी अच्छी काफ़ी सॉफ्ट चुवाई छर्रा पपैया और हम बात करें डोक्ल आज की तारीख में इसे किसी भी प्रकार की जो कि दिक्कत है वो इसमें नहीं है जी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के पिछले थड़ों की भी जो कि आप दारें देखें काफ़ी मोटी चुआई की बिल्कुल फुली चुआई और मौके पे अगर हम बात करें जी जो दूध है जी काफ़ी अच्छा खासा दूध और ताज़ा ब्याई हुई जी मैं बताना चाहूँगा लगभग बारह से तेरह किलो दूध इसने ताज़ा ब्याई हुई ने आराम से दिया हुआ है और जो पंचायती जो बोल है जी उससे इसको ग्ञापीन है कराया गया है ढाई महीने की जो कि ग्ञापीन है बिल्कुल छोटे सिंह की गर्दन की लंबाई काफ़ी अच्छी और बात करें हम जी खाने पीने में बिल्कुल सुपर फास्ट और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पहली बार किसान के घर से जो कि बिक के आई थोड़ा जो कि जो कि कैमरे से जो कि जोटी डर भी रही है बाकी जो क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और हम ये जोटी उस पशुपालक भाई से देंगे जो हमारे डेयरी फार्म पर आकर के जो कि इसकी चुवाई करेगा क्योंकि चुवाई इतनी जो कि साफ़ सुथरी है जी नीचे की आपको शायद ही लाखों में ताज़ा ब्याये हुआ पशुधन भी आपको ऐसी चुवाई का नहीं देखने को मिलेगा तो हमारे पास फ़िलहाल ये बिक्री के लिए भी उपलब्ध है रेगुलर रूटीन से स्क्रीन पे जो कि कॉन्टैक्ट नंबर है वो चल रहा आप इन पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं काफ़ी पशुपालक भाई डिमांड कर रहे थे ऐसी बाकड़ी जो टी की तो हम जो कि अच्छी लगी हमने तो हम वहाँ से परचेज़ करके लेके आए हमारे पास एक भी टाइम जो कि जोटी ने दूध को जो कि ऐसे नहीं किया कि जो कि टाइम को उका दिया हो बिल्कुल टाइम टू टाइम जो कि दूध देती है और दोनों की दोनों के दोनों टाइम बच्चे से जो कि दूध है वो देती है और सबसे अच्छी बात एच एल डी बी के सीमन की साथ में जो फीमेल काफ़ है काफ़ी अच्छी क्वालिटी की साथ में इसके नीचे फ़ीमेल काफ़ रेट मौके पे करना चाहेंगे कुछ भी डिटेल्स पूछना चाहते हैं तो रेगुलर रूटीन से स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट नंबर है ऐसा करेंगे आज की जो हमारी कवरेज है जी हमारे डेयरी फार्म से आप लोगों को जरूर अच्छी लगेगी वीडियो अच्छी लगे तो जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें शेयर करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी फिर मिलेंगे किसी किसान के घर या फिर व्यापारी वर्ग के भाई के पास तब तक सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार सत श्रीकाल राम राम सलाम